नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने दीपोत्सव कार्यक्रम में 2100 दीप किए प्रज्वलित। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में यमुना नदी किनारे स्थित अटल परिपथ में नगर पालिका परिषद व जिला प्रशासन द्वारा भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सम्मिलित हुई केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति दीप प्रज्वलित कर पूजा अर्चना की। कार्यक्रम में मौजूद जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, सदर विधायक, नगर पालिका अध्यक्ष भी दीपोत्सव में सम्मिलित हुए। दीपोत्सव कार्यक्रम में 2100 दीप प्रज्वलित किए गए। एक साथ इतने दीप प्रज्वलित होने से पूरा अटल परिपथ जगमगा उठा। केंद्रीय मंत्री जी ने कहा कि दीपावली खुशी का पर्व है, सभी लोग आपस में मिलजुल कर परस्पर स्नेह के साथ पर्व को मनाएं एवं जीवन में खुशियों को समाहित करें। भारत वर्ष का सबसे सर्वोत्कृष्ट महापर्व जिसको हम दीपोत्सव मानते हैं, कल दीपावली है, पूरे विश्व में और पूरे देश में धूमधाम से मनाई जा रही है। यमुना जी का पावन तट है और कलौ वेदवती गंगा जिसको बोलते हैं, उधर बेतवा जी हैं, दोनों के मध्य में बसा हुआ यह हमीर देव की नगरी हमीरपुर है। क्योंकि मेरा यहाँ राजनीतिक पृष्ठभूमि जन्म से लेकर के सब कुछ यहीं से है, तो दिवाली के पहले मैं यहाँ आती हूँ और सारे कार्यकर्ताओं से मिलती हूँ। और ये दीपदान जो होता है, भाई कुलदीप जी चेयरमैन हैं, वो लगातार बराबर करवा रहे हैं और आप देख रहे होंगे कि कुलदीप जी के कारण गंगा यमुना जी और बेतवा का तट एक सुंदर हो गया, दर्शनीय हो गया, रमणीक हो गया। आज मैं दिवाली के पावन अवसर पर सबको बधाई देने आई हूँ, पूरे देश के लोगों को और इस परंपरा के मानने वाले सभी, विश्व में रहने वाले सभी को मैं दिवाली की बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ। मंत्री जी बताइए, प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है, क्या कहेंगे जनता से, क्या अपील करेंगे? देखिए, प्रदूषण के लिए हम सबको संयम बरतना पड़ेगा। दूसरा, मन का प्रदूषण बहुत जल्दी ठीक होने की जरूरत है। वायु प्रदूषण तो कहीं ना कहीं ठीक हो जाता है, हवा चलती है, पानी बरसता ठीक हो जाता है, लेकिन जो मानसिक प्रदूषण है वो ठीक होने की जरूरत है। और वो मानसिक प्रदूषण ही है, उसको सरकार भी नहीं रोक पाएगी। अब आप देख रहे हैं कि भाई भाई को हजम नहीं कर पा रहा, बाप बेटे को हजम नहीं कर पा रहा है। ये जो प्रदूषण हमारे जीवन में आया है, ये जो संस्कारों की गिरावट आई है, ये बहुत जरूरी है ठीक होना। और ये ठीक हो गए तो प्रदूषण तो अपने आप ठीक हो जाएगा। मंत्री जी, बिहार में जो है बीजेपी ने परचम लहराया है, क्या लगता है कि आगे जो है? बिहार में ही नहीं, पूरे देश में जहाँ भी उपचुनाव हुए हैं, लेकर के तेलंगाना से कश्मीर से लेकर के मणिपुर तक जो भी चुनाव हुए हैं, वहाँ हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत के बल पर और भारत के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो 2014 में संकल्प लिया था कि मेरी सरकार गांव, गरीब, किसान, मजदूर के लिए समर्पित है, वो आज माननीय मोदी जी के साथ खड़े हुए हैं। आप देख रहे थे, एग्जिट पोल बोल रहे थे 50 से ज्यादा गठबंधन वहाँ नहीं आ पाएगा, और हम ही वहाँ छलांग लगा के चले गए, 74 सीटें लेकर के आ गए, जबकि हम कम सीटों पर लड़े थे। जनता बधाई की पात्र है, किसी के गुमराह में नहीं आए। लोगों ने तो कोशिश की, किसानों का नारा लेकर के, कोरोना को लेकर के बहुत कोशिशें की। और मेरा मानना है कि कोरोना कार्यकाल में माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ में बागडोर नहीं होती, बहुत सारे ऐसे परिवार थे जिनके चूल्हे तक नहीं जलते। कोरोना के कार्यकाल में जिस तरह से उदारता पूर्वक सरकार ने मुफ्त में उनको अनाज दिया, मुफ्त में गैस सिलेंडर दिया, और उस गैस सिलेंडर के लिए भी 3 महीने तक फ्री पैसा दिया, जनधन के खातों में पैसा आया, किसान सम्मान निधि में पैसा आया, और मनरेगा जो एक गरीब के लिए बहुत विपरीत परिस्थिति में काम देता है, मेरे मंत्रालय से संबंधित है, मनरेगा में जिस तरह से काम हुआ है, मैं मानती हूँ कि कोरोना के कालकाल में जिस तरह से काम हुआ, मैं बधाई देती हूँ बिहार के, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, मणिपुर, तेलंगाना, जहाँ जहाँ चुनाव हुए हैं, बड़े उत्साह से कार्यकर्ताओं ने काम किया। और ये काम दिखाता है, चुनाव दिखाता है कि सरकार की क्या इमेज है। अब लोगों को नहीं समझ में आता तो लोगों को जो विरोध करना है करना है, हर चीज में विरोध करना है, 370 धारा का विरोध करना है, राम मंदिर का विरोध करना है, करें, लेकिन हम जनता के हित में काम कर रहे हैं और जनता हमें उसका सम्मान भी दे रही है, तो हम सम्मान के पात्र नहीं, जनता सम्मान के पात्र है, जनता बधाई की पात्र है। और बिहार के आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की इमेज
लोगों ने खराब करने की कोशिश की, लेकिन मैं कह सकती हूँ वो ऐसे मुख्यमंत्री हैं, सातवीं बार वो शपथ लेने जा रहे हैं सर, और चौथी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। एक भी उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा, ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है किसी के इतने लंबे राजनीतिक जीवन में, जो केंद्र में मंत्री भी रहे हों, प्रदेश की बागडोर रही हो। मैं बधाई देती हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी को, बिहार की जनता को, बिहार के संगठन को, और जहाँ जहाँ चुनाव हुए हैं, छोटा से लेकर के बड़ा कार्यकर्ता, यही पार्टी और अन्य पार्टियों में भिन्नता है। हमारा कार्यकर्ता जो गांव में बैठा है वो भी लगता है बड़ा है, वो भी गांव में जाके बैठता है, यही वो परिणाम आज दिखाई पड़ रहे हैं। जो लोग हमारी पार्टी को मजाक उड़ाते थे कि दो सांसदों वाली पार्टी देश में कैसे राज करेगी, आज पूरे देश में हम लोग हैं। और मैं इतने निवेदन करती हूँ, बुंदेलखंड के लिए किसी सरकार ने नहीं ध्यान दिया, लोगों ने यहाँ घरों में आकर के, गरीबों के घरों में बैठ करके होटल से भोजन मंगा के तो किया, लेकिन बुंदेलखंड कैसे विकसित हो इसके लिए किसी ने चिंता नहीं की। आप देख रहे होंगे बड़ी नहर निकल रही है इचौली के पास से, डिफेंस कॉरिडोर है, बुंदेलखंड हाईवे निकल रहा है, और हर घर टोटी से पानी देने का काम हमारी सरकार कर रही है। बुंदेलखंड पर पहली बार फोकस हुआ है, और मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बधाई देना चाहती हूँ, पहला कोई मुख्यमंत्री होगा कि हर जिले में दौरा कर रहे हैं और जा रहे हैं, वहाँ की समीक्षा कर रहे हैं, तो लेकर के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और बूथ अध्यक्ष से लेकर के ये सारे लोगों की मेहनत के बल पर हमारी सरकार बनी है, और जहाँ जहाँ उपचुनाव हुए वहाँ जीते हैं। सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं।